व्हाट्सअप वेलकम बैक टू चैनल छोटों को बहुत सारा प्यार सुने बड़ों को मैं प्रणाम। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। देखो यार सुबह सुबह जाकर देखते हैं आप लोग के लिए मूवी की रिव्यू वगैरह ऑनेस्ट रिव्यू निकाल दें। जो अभी हिंदी का शो चल रहा है और मैं इंटरवल में अभी इंटरवल तक देख चुका हूँ। इंटरवल तक मूवी बताऊँ तो अभी तक स्टोरी बिल्डिंग है, बीच में थोड़ा बोर कर सकती है लेकिन ज़्यादा बोर नहीं करेगी। एक्शन वगैरह वी एफ एक्स वगैरह से कोई शिकायत नहीं है, बहुत मस्त मूवी है। जी एम की बात करें तो अनिरुद्ध का बीजीएम है तो अभी तक तो बीजीएम मस्त लगा। और जो देवड़ा का जो सेटअप है ना, नाव वगैरह बड़े बड़े वगैरह और वीएफएक्स जो समुद्री वो काफ़ी गजब लग रहा है। ये थोड़ा थोड़ा हट के ये सीन है वीएफएक्स के मामले में अभी तक बहुत अच्छा लगा है। और ये थोड़ा फ्लैशबैक स्टोरी है, स्पॉयलर अलर्ट मतलब स्पॉयलर नहीं होने वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। तो इंटरवल तक तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब अच्छा लगा है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा लगा है, डिसेंट। अब देखते सेकेंड हाफ में क्या होता है। और अभी तक एक ही सॉन्ग आया हुआ है और एक्शन तो दबा कर दिया गया एकदम, खून से लाल लाल एकदम। साउथ इंडियन तड़का भी है कि जब वो आएगा ना तो ये हो जाएगा, तुम्हें पता भी है वो कौन है, तो ऐसा साउथ इंडियन तड़का तो फ्लेवर तो रहेगा ही। तो इंटरवल तक तो अभी ये, इंटरवल के बाद देखते हैं कल कोई क्लाइमेक्स वगैरह सीन हुआ कि नहीं। स्टोरी सीधा सीधा मालूम पता चल रहा है, फ्लैट है स्टोरी, ज़्यादा स्टोरी में कुछ ज़्यादा है नहीं। और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तरह ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ समझना नहीं। हाँ समुद्र के लुटेरों की तरह है ऐसा कुछ स्टोरी है। तो फिलहाल हिंदी का ये रिव्यू है और आगे कैसा होता है मैं बताने वाला हूँ। हिंदी में तो कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं, थिएटर का फुल ब्लॉग आएगा इसके बाद फुल रिव्यू के साथ, वो भी देख लेना। कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं हिंदी में। हाँ मैं सुबह सुबह जब 9 बजे यहाँ पे आया था, 9 बजे का शो है तो तेलुगू वालों का पूरा भीड़ था, तेलुगू वालों का थोड़ा पहले का शो था। तो ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है।